बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं माहम लोहरी फूड सीक्रेट में आपको वेलकम करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए स्पेशल रेसिपी लाई हूँ बेसन वाली मछली के। तो ये मसाला अच्छे तरीके से इस पर लग चुका हुआ है, आप देख सकते हैं। 2 से 3 घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया हुआ था। उसके बाद ये आप साथ ही देख सकते हैं, मेरे पास ये कुछ मसाले हैं, ये सारे 1 टीस्पून मेरे पास मसाले हैं। नमक भी, मिर्च भी, जवैन और चाट मसाला भी और हल्दी भी। तो ये साथ ही दूसरी तरफ आप ये देखें, मेरे पास बेसन है। ये मैंने 1 कप बेसन ले लिया था, इसको ना मैंने छान लिया था अच्छे तरीके से। और दूसरी तरफ ये मेरे पास पानी है। तो अब हम अपने बेसन को अच्छे तरीके से इसका मिक्सचर बना लेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके ऊपर फिश पे हम कैसे लगाएंगे। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कितना अच्छा बेसन तैयार हो गया। जितना हमें चाहिए था इसकी क्वांटिटी हमने इसको उतना रखा है, ना ज़्यादा गाढ़ा है और ना ज़्यादा पतला है। तो आपने भी इसको इसी तरह से बेसन को तैयार कर लेना है। तो बस अब हम जल्दी जल्दी से अपनी फिश के ऊपर लगाएंगे और इसको फ्राई करेंगे। तो ये बाजार से भी ज़्यादा मज़े की आपकी बेसन वाली फिश तैयार होगी। तो अब हम अपनी कढ़ाई में ऑयल डाल लेंगे ये। तो दोस्तों, ये अब इसमें हमने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। ये जैसे ही गर्म हो जाएगा तो फिर हम अपनी बेसन वाली फिश फ्राई करना शुरू कर देंगे। तो ये दोस्तों, अब हम इसमें बेसन लगा के फिश पे और इसको फ्राई करने लगे हैं। हमारा ऑयल भी अच्छे तरीके से गर्म हो गया है। ये इस तरह आपने ये फिश को बेसन पे लगा के, तो अब इसको मैं कढ़ाई में डाल दूंगी। दोस्तों, आपने बेसन को इतना ही रखना है जितना मैंने आपकी वो क्वांटिटी बताई थी। अगर आप ज़्यादा बेसन लगाएंगे वो मोटा हो जाएगा और फिर अंदर से कच्चा रह जाएगा, और अगर आप ज़्यादा पतला करेंगे तो फिर वो चिपकेगा ही नहीं फिश के ऊपर। ये इस तरह मैं अपनी सारी फिश इसके अंदर डाल दूँगी। तो दोस्तों, 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसी आराम से साइड बदल देंगे। ये इस तरह आपने इसकी साइड बदल देनी है। बार बार आपने इसमें चम्मच नहीं मारना, अगर आप चम्मच मारेंगे तो आपका ऑयल भी गंदा हो जाएगा और दूसरा इसके ऊपर से बेसन भी उतर जाएगा। ये आप देख सकते हैं ना, बिल्कुल रेडी एक साइड से हो गया। तो अब इसी तरह दूसरी साइड से भी 3 मिनट बाद हम रेडी करके डिश आउट कर लेंगे। इस तरह से आपने ना इसको अच्छी तरह से 1-2 मिनट ऐसे चम्मच के साथ रखना है, तो इसमें से सारा ऑयल निकल जाएगा। तो फिर आपकी फिश बिल्कुल भी ऑयली नहीं रहेगी और बहुत मज़े की बन जाएगी। वाली फिश आप देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब मैं अपने भाई को ये टेस्ट करवाऊंगी फिश। तो मुझे ये बेसन वाली फिश बहुत पसंद है, मेरी बहन ने बनाई है। मैं आपको ये टेस्ट करके बताऊंगा कि कैसी बनी है। बहुत मजेदार बेसन वाली फिश बनी है। आप लोग इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। जिंदाबाद महाम्मा जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की बेसन वाली फ़िश तैयार हुई है। आपने भी इस रेसिपी को इसी तरह ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको ये कैसी लगी। आपने मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।